Please subscribe my channel and press the bell icon for all the latest updates. Hello guys, welcome to my channel Connecting Krish. उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे घटनाएं घटते हैं जिनमें हम में से बहुत लोग यकीन रखते हैं और बहुत लोग यकीन नहीं रखते हैं। तो आइए उन्हीं में से आज एक घटना के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। एक दिन एक साइंटिस्ट को अपने टेस्ट लैब का दरवाजा खोल के अपने 5 ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट्स को जिंदा और हेल्दी देखना था, लेकिन उसने जो देखा उससे देख के वो डर गया और बैकअप के लिए आर्मी बुलाया। आर्मी अंदर जाके देखा कि सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। फिर वो लोग सोचे कि हम लोगों ने खाना ठीक से नहीं दिया या हम लोगों ने बेड कंफर्टेबल नहीं दिया, मानो शैतान इस घर में खुद आके बस रहा हो। ऐसा क्या हुआ होगा जिससे कि ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं और हंस रहे हैं, रो रहे हैं और एक को तो उन लोगों ने मार ही दिया। ऐसा क्या हुआ होगा? जी हाँ, मैं वही फेमस रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप उसमें यकीन रखते हैं तो। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। तभी लेट 1940s का जमाना था। सोवियत रशिया में आर्मी ने साइंटिस्ट के साथ मिलके कुछ ऐसा चीज बनाने के लिए सोचा जिससे कि उनका आर्मी और बेहतर हो जाए। जैसे कि जर्मन्स अपने आर्मी को परविटिन देते थे, वैसे ही अमेरिकन्स और ब्रिटिश अपने आर्मी को एक स्टिमुलेंट देते थे जिसका नाम था बेंजेड्रीन। तो रशिया को कुछ बेहतर करना था, लेकिन वो क्या कर सकते थे, यही सोच में वो पड़े। फिर उनके साइंटिस्ट लोग एक स्टिमुलेंट गैस बनाया जिससे वो दावा करते थे कि आर्मी को बहुत देर तक नींद नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए उनको कुछ ह्यूमन बॉडीज चाहिए था जिसके ऊपर वो स्टिमुलेंट गैस टेस्ट कर सके। लेकिन वो कुछ मुश्किल काम नहीं था उस दौरान, और जेल से 5 क्रिमिनल्स को लाया गया उस टाइम पे और एक गैस चेंबर के अंदर उनको एक साथ डाल दिया गया ये देखने के लिए कि ये स्टिमुलेंट गैस एक्चुअल में काम करेगा कि नहीं। तो उस दौरान उस टाइम पे उन 5 लोगों को एक चेंबर के अंदर पूरा का पूरा एयर टाइट करके बंद कर दिया गया था, जिसके अंदर उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट के लिए कमोड, खाने के लिए ड्राई फूड और सोने के लिए बेड, और देखने के लिए उन लोगों को एक कैमरा था, एक माइक्रोफोन था बातें करने के लिए, और एक स्पीकर था बाहर की आवाज टेलीफोन से सुनने के लिए। तो इतना ही कुछ था वहां पे। और गैस चेंबर के बाहर ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाएगा उन लोगों का, और बाहर का दुनिया देखने के लिए उन लोगों का एक छोटा होल था जिसमें 5 इंच का ग्लास लगा हुआ था। और उन लोगों को यह बताया गया थ्रू फोन कॉल कि वो लोग 30 दिनों के लिए यहाँ पे बंद रहेंगे। अगर ये गैस उन लोगों के ऊपर टेस्ट करने पर वो सह लिए तो 30 दिनों के बाद उन लोगों को फ्री कर दिया जाएगा, जितना भी जुर्म उन लोगों ने किया है वो सब माफ कर दिया जाएगा। तो उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और वो लोग टूट पड़े, रो पड़े, एक दूसरे के सहारा बने, लेकिन उन लोगों को उस टाइम पे और कुछ करने के लिए था भी नहीं, तो उन लोगों को मानना पड़ा। पहला 3 दिन नॉर्मल गया, कोई वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, खाना खा रहे थे, सो रहे थे, बस इतना ही। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुआ 4th डे से, अर्थात 4th दिन से। वहां पे तभी थोड़ा बहुत एबनॉर्मलिटी दिखने को मिला, और 5वें दिन तो कुछ अलग ही हो गया। वो लोग एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होने लगे, अकेले ही बात करने लगे, रोने लगे, हंसने लगे और पता नहीं क्या क्या करने लगे। वो लोग अपना एंगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहा था उनसे। अगर कोई हंस रहा तो हंस ही जा रहा था, अगर कोई रो रहा तो रो ही जा रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था। और वो लोग एक दूसरे के साथ बेवजह झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे। वो माइक्रोफोन्स के सामने आकर कुछ अजीब से स्टोरी सुना रहे थे, लेकिन ऑफ कोर्स उन रिसर्चर्स को ये मालूम था कि ये साइकोसिस का प्रॉब्लम है और यहाँ पे स्लीपिंग डिप्रिवेशन भी हो रहा है, जहाँ पे हेलुसिनेशंस उनको रियल में लगेगा और डरावने भी रहेंगे। तो ये सब वो देखने के बाद भी वो लोग श्योर होना चाहते थे कि एक्चुअल में वो क्या है, नींद की कमी या फिर गैस का इफेक्ट, ये देखने के लिए वो लोग ये कंटिन्यू करने लगे। और उसके बाद जब 9वें दिन पे हम लोग आए, तब प्रॉब्लम और बढ़ चुका था, और तभी जो एविडेंस था वो और भी स्ट्रांग हो चुका था, गैस इफेक्ट का ही ये सब सिम्टम्स है। वो लोगों को पता चल चुका था कि जो बिहेवियर ये लोग कर रहे हैं वो सारा कुछ गैस इफेक्ट ही है। इसमें हंसना, रोना, एक दूसरे को खा जाना, सब कुछ हो सकता है। इनमें एक बंदा
एक टाइम पे ऐसा चिल्लाने लगे कि कुछ घंटे बाद उसका वोकल कॉर्ड ही टूट गया और वो बच्चों के खिलौने जैसे आवाज निकलने लगा, लेकिन फिर भी वो चिल्ला रहा था, इधर उधर भाग रहा था। तो ऐसा करके और कुछ दिन बीत गया, लेकिन प्रॉब्लम्स बढ़ता ही गया और वो लोग चेक करते ही गए। ऐसा करने के बाद जब 15 दिन का टाइम आया तो अचानक वहां पे पूरा साइलेंट हो गया और सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नहीं आ रहा था। तो वो रिसर्चर्स कंफ्यूज थे और बहुत डिस्कशन के बाद वो लोग ये डिसाइड किए कि वो लोग इसको इंटरप्ट करेंगे और दरवाजा खोलेंगे और वहां का जो स्टिमुलेंट है उसको डिस्प्लेस करेंगे फ्रेश एयर से। और फिर उनको ये बताया गया कि हम लोग अंदर आएंगे, आने के बाद जो कैमरा है, जो माइक्रोफोन है, उसको चेक करेंगे, फिर निकल आएंगे। लेकिन उनमें से एक का आवाज आया, हम लोग और यहां से निकलना नहीं चाहते, हम लोगों को और गैस देते जाओ। ये सुनकर ये लोग हैरान रह गए, वो अपने आप में डिस्कस करने लगे और फिर उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम दरवाजा खोलेंगे। उसके बाद क्या हुआ ये आपको पता ही है, एकदम शुरुआत में ही मैंने बता दिया, लेकिन उसके आगे क्या हुआ ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। उसके आगे जब मिलिट्रीज अंदर गए तो वो लोग देखे कि एक आदमी को दूसरे लोग खा रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, और अचानक उन लोगों ने मिलिट्रीज के ऊपर धाबा बोल दिए और दो तो वहीं पे स्पॉट हो गया और टोटल 5 मिलिट्रीज शहीद हो गए इस केस में। जैसे तैसे करके उन लोगों को बांध के बाहर निकाला गया, लेकिन उस दौरान उस टाइम पे एक डॉक्टर का बोन भी फ्रैक्चर हुआ और वहां पे मॉर्फिन का एक हेवी डोज भी दिया गया था एक टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर, जिससे कि एक कैनेडियन मूज भी बेहोश हो जाए, लेकिन फिर भी वो एक जंगली जानवर की तरह लड़ रहा था और फिर उसका हार्ट बीट स्टॉप हो गया, लेकिन फिर भी वो हंस रहा था और बोल रहा था चिल्ला चिल्ला के, गिव मी गैस। फिर अचानक वो मर गया। बाकी 3 लोगों को हॉस्पिटल लाया गया और उन लोगों को बांध के रखा गया। उनमें से एक को एनास्थेसिया दिया गया ऑपरेशन के लिए, लेकिन वो एनास्थेसिया लेते ही वो अचानक मर गया। फिर वो लोग डिसाइड किए कि और एनास्थेसिया नहीं, 2 लोग मर चुके हैं इसके दौरान, इसलिए वो डायरेक्ट विदाउट एनास्थेसिया ऑपरेशन करने लगे। उनका जो हेड सर्जन था वो ये बता रहे थे कि पेशेंट का जो कंडीशन है, इस कंडीशन में वो कैसे जिंदा है ये मुझे नहीं पता, और मैं सच में हैरान हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपने करियर में ऐसा नहीं देखा। एक नर्स ने भी ये बताया कि उनमें से एक पेशेंट उसको देख के हंस रहा था और कुछ बोल रहा था और उसको सुनाई नहीं दे रहा था, इसके लिए उसने लिखने को बोला और फिर वो लिख के दिया गिव मी गैस। तो नर्स ने सोचा शायद ये कोई पागल ही होगा जो अभी भी ऐसा कुछ बोल रहा है। फिर एक कमांडर को ऐसा आइडिया आया जो उस टाइम पे किसी को नहीं आया, क्यों ना इन दोनों को फिर से गैस चेंबर में डाल दूं और पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म करूं, उससे बाद देखा जाएगा क्या होता है, क्योंकि ये लोग वैसे ही तो नॉर्मल नहीं है और नॉर्मल रहेंगे भी नहीं। तो फिर गैस चेंबर में उन लोगों को लाया गया और सब कुछ जैसे ठीक हो गया, लेकिन फिर अचानक एक पेशेंट का ब्रेन एक्टिविटीज एकदम हाई हो गया और फिर वो अचानक से मर गया। तब उस टाइम पे उस घर में कुछ रिसर्चर्स थे और कमांडर थे, उनमें से एक साइंटिस्ट अपने गन से लास्ट पेशेंट को और वहां पे जो कमांडर मौजूद था उन दोनों को गोली मार दिया और चिल्ला चिल्ला के ये बोलने लगा कि मैं इन पागलों के बीच और नहीं रहने वाला, मुझे यहां से निकलना है, बस मैं और कुछ नहीं जानता। और उस लास्ट पेशेंट को तब भी जिंदा देख के वो ये पूछा कि तुम क्या हो, तुम एक मॉन्स्टर हो या क्या हो। फिर उसने बताया कि मैं वो हूं जो तुम पूरी दुनिया से छुपा के रखते हो, मैं तुम्हारा वो रूप हूं जिसमें तुम अपने भलाई और दूसरों की बर्बादी चाहते हो। ये सुनकर वो हैरान हो गया और फिर वो ये भी बताया, मैं आज जो हूँ वो तुम्हारे वजह से हूँ, तुमने ही मुझे बनाया है, तो तुम ऐसे मुझे नहीं भूल सकते, तुम्हें मुझे याद रखना पड़ेगा। तो ये सुनके उसने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और उसने बातें सुनते सुनते ही उसको सीधा सीने में गोली मार दिया और इस तरह से जो लास्ट ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट था वो मर गया और यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होता है। ये स्टोरी कुछ लोग बिलीव करते हैं और ये स्टोरी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन इस कैटास्ट्रोफिक फ्लैश फिक्शन का जो राइटर है, विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट ये बताया जा सकता है कि उसका ग्रामेटिकल स्किल इंप्रूव होना चाहिए। और ये स्टोरी वैसे भी कुछ मायने नहीं रखता जब ये बोलता है कि एक मरा हुआ आदमी फिर से जिंदा होके गैस के लिए पूछ रहा हो।
सिर्फ वही नहीं, जब ये चेक किया गया था कि 5 आदमी ऑक्सीजन ले रहे हैं लेकिन एक्चुअल में तब वहां पे 1 आदमी मर चुका था, तो भी ये कुछ मायने नहीं रखता। चलिए इस डिबेट को, इस कंट्रोवर्सी को कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग ये सोचते हैं कि वो आदमी उसके बीच में मरा था, लेकिन मुझे ये बताने का जरूरत नहीं है कि आप अपने ऑर्गेन्स को, अपने वैल्यूएबल ऑर्गेन्स को निकल के नहीं खा सकते। ये प्योर फिक्शन है और मेडिकल साइंस भी ये बोलता है कि उस दौरान उस आदमी को इंस्टेंटली मर जाना चाहिए, ब्लड लॉस के कारण या तो शॉक के कारण, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, इस डिबेट को कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग ये भी मान लेते हैं कि नर्स के साथ फ्लर्ट करना, एक दूसरे को खा जाना, ये सिर्फ गैस इफेक्ट है। और हम ये पकड़ भी लेते हैं कि ये सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कभी हुआ था, लेकिन फिर ये कैसे पता चलेगा कि ये सच है कि झूठ, यही तो सवाल है, यही तो हमें जानना है। तो आइए देखते हैं, देयर इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री एंड प्लॉसिबल साइंस, जो ये साफ साफ बोलता है कि आज तक ऐसा कोई गैस का आविष्कार नहीं हुआ जिससे एक आदमी 15 दिनों तक बिना नींद के जगे रह सके। और सिर्फ यही नहीं, वो एक सेल्फ लॉडिंग ज़ॉम्बी भी बन जाए और एक दूसरे को खाने लगे, खुद को भी खाने लगे। आपको नहीं लगता ये अजीब है? और सिर्फ यही नहीं, इस स्टोरी को आप सोशल मीडिया में कहीं पे भी नहीं ढूंढ सकते, सिर्फ एक वेबसाइट को छोड़ के जो अपने स्कैरी स्टोरीज के लिए फेमस हो। और आप खुद ही सोच के देखिए, जो आदमी अपने रूम में बैठ के अपने डेस्कटॉप से ये स्टोरी लिख रहा होगा, उसके पास इतना सारा सीक्रेट इंफॉर्मेशन कैसे हो सकता है जो CIA के पास भी नहीं था? तो आपको नहीं लगता ये भी थोड़ा अजीब है? स्लीपिंग डिप्रेवेशन एक ऐसा चीज है जो मिलिट्रीज अपने टॉर्चर के लिए यूज करते हैं क्रिमिनल्स को, जिसमें एक क्रिमिनल्स को वो लोग सोने नहीं देते बहुत देर तक और उनको अंदर से ब्रेक करते हैं। ये एक टॉर्चर का तरीका है। और अगर सोल्जर्स को बहुत देर तक जागना भी पड़े तो उन लोगों को कैंडी दिया जाता है, ना कि ड्रग्स। विश्व के बेस्ट ट्रेंड सोल्जर्स भी अगर 36 घंटे के ज्यादा एक टाइम पे काम करे तो वो लोग लेजी बन जाएंगे, उन लोगों का एफिशिएंसी उतना नहीं रहेगा। और एक स्टडी के दौरान ये पता चला है कि अगर 48 आवर्स या उसका ज्यादा कोई सोल्जर जगे रह के अपना काम करता है तो वो लेजी बन जाता है और एक सोल्जर के लिए वो यूजलेस हो जाता है, क्योंकि उसका हाथ पैर ठीक से काम नहीं करता और ब्रेन भी काम नहीं करता। इसके दौरान वो बहुत सारे मिस्टेक्स करेगा, जो कि एक आइडियल सिचुएशन नहीं है एक युद्ध को जीतना। लेकिन फिर भी अगर आपको क्रीपी स्टोरीज पसंद है, अगर आपको ऐसे हॉरर स्टोरीज पसंद है, तो आप इस वेबसाइट में जाके इसको बिलीव ना करें, यूट्यूब में जाके सर्च करें, या आपको बहुत सारे ऑडियो स्टोरी टेलिंग वेबसाइट भी मिल जाएगा जिसमें आपको बहुत सारे स्टोरीज मिल जाएंगे, आप उसको सुनिए। तो आज के लिए इतना ही, और सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे साथ बने रहने के लिए इतना टाइम लेके। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जरूर। थैंक यू।